झारखंड में कोरोना की स्थिति और राज्य में लौट रहे श्रमिकों को लेकर हमारे संवाददाता निलय सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत की। विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, हमारा देश भारत और हमारा राज्य झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। हेमंत जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ में। अगर झारखंड की बात की जाए तो कोविड अभी बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति में झारखंड में नहीं आया। ये हमारा कहें तो खुशकिस्मती रही कि कुछ देर से ही आया, लेकिन अगर रांची के हिंदपीढ़ी की अगर बात छोड़ें तो बाकी जगहों पे अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। आपने पहले ही लॉकडाउन, केंद्र सरकार से पहले ही लॉकडाउन यहाँ पे आपने एक बार किया था, और अभी जब लॉकडाउन थर्ड में तीसरी बार जब लॉकडाउन हुआ तब भी आपने एहतियात के तौर पर सारी चीज़ों को, दुकानों को खुलने नहीं दिया। अब और क्या चीज़ें राज्य सरकार की ओर से होने जा रही है जिससे कि इस स्थिति को पूरी तरह से काबू पाया जाए? देखिए निलय जी, पहली बात तो अभी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। प्रवासी लोगों का आना जारी है, बिल्कुल, और हम अभी थोड़ा इंतजार करेंगे और प्रवासी लोगों को, मजदूरों को, आम लोगों को आने का सिलसिला कब तक जारी रहता है और उसका क्या ट्रेंड रहता है उसको ध्यान में रख करके आगे हम कोई निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल तो केंद्र सरकार ने जो ग्रीन, रेड, ऑरेंज में जो खोलने बंद करने की जो गाइडलाइन दी है वो अभी फिलहाल हमारे लिए यथावत है। जो पहले था जैसे हर जगह ग्रीन, रेड, ऑरेंज में बंद का, वो फिलहाल जारी रहेगा और जो लोग आ रहे हैं उन पर नज़र रखते हुए, जो लोग आने वाले हैं उन पर नज़र रखी जाएगी जी। ये झारखंड के लिए भी एक गर्व की बात है कि सबसे पहली ट्रेन जो मजदूरों को लेकर आई तेलंगाना से लेकर झारखंड ही आई, ये भी झारखंड के मजदूरों के लिए भी और हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। लेकिन अभी भी कई समस्याएं मजदूरों को देखनी पड़ रही हैं, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर की बात हो, या फिर ट्रेन में किराया की बात हो। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 85-15 का हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि उनसे भी भाड़ा भी लिया जा रहा है। फिर उनके आने के बाद जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, अभी ये बात थोड़ा विवादित जरूर रहा है कि लोगों को लाने ले जाने को लेकर के, भाड़े को लेकर, मेरा वो चिंता नहीं है। मेरा चिंता ये है कि लोगों को सुरक्षित लाना और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना, और इस दिशा में सरकार बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। और आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रहा है। लोग आ करके उनको बकायदा जो एक परिवार की तरह उनका स्वागत किया जाता है, एक मेहमान की तरह उनका स्वागत किया जा रहा है। और हमने पहले भी कहा है कि ये लोग मजदूर नहीं, हमारे परिवार हैं और हम अपने परिवारजनों को हर हाल में निश्चित रूप से अपने राज्य में उनका स्वागत करेंगे। और आज ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है, बहुत मशक्कत करने के बाद केंद्र सरकार ने ट्रेनों में आने की अनुमति दी है। अगर शायद ट्रेनें नहीं चलती तो चुनौती और ज़्यादा होता, और अभी भी चुनौती ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये सिलसिला जारी है। और मुझे लगता है कि, और हमने तो निर्णय भी लिया है कि कहीं से भी कोई मजदूर से राज्य सरकार ट्रेनों को लेकर कोई भाड़ा नहीं वसूलेगी। जहां ट्रेनें भेजी जा रही है या यहां से व्यवस्था की जा रही है उनमें किसी को भी कोई टिकटों में पैसा नहीं लग रहा। अभी बसों से जो पड़ोसी राज्य में, चाहे उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, तो वहां भी थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि आपने ममता जी से बात की थी। हाँ, ये था थोड़ा कुछ राज्यों में अपनी अपनी कुछ, क्योंकि ये बात जो अभी प्रक्रिया, जो अभी जिस समय संक्रमण से हम गुजर रहे हैं, ये संक्रमण पर सभी राज्य अपने अपने तरीके से व्यवस्थाएं चला रही हैं और इसमें राज्यों की अपने राज्य के अंदर बड़ी भूमिका होती है। जो उनका निर्णय होता है, जो उनका डायरेक्शन है, उसी के तहत चीज़ें आगे बढ़ती हैं।
तो उसमें कुछ चीज़ों के लिए राज्य सरकारों को आपसी सामंजस्य बनाने की भी आवश्यकता पड़ती है, और इसको लेकर के हम लोगों ने अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से बात भी किया है, पदाधिकारीगण इस पर लगे हुए हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो रहा है, लोगों को आने जाने में भी अब दिक्कतें कम होने लगी हैं। सर, दो सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे राज्य में जो बाहर से भी जो भी मजदूर है चाहे छात्र हैं या जो अन्य लोग हैं वो आ रहे हैं वहाँ पर, सबसे बड़ी समस्या ये कार्य तो एक तो टेस्टिंग की, क्योंकि अभी टेस्ट की थोड़ी सी कमी है जगहों पे, और दूसरे उनके रोजगार की कि अब वो करेंगे क्या राज्य सरकार ने सोचा है। हालांकि आपने अभी तीन तीन योजनाओं का शुभारंभ किया है, आप ला संस्थान भी गए, वहाँ भी रोजगार की संभावनाएं आपने तलाशी हैं, क्या नतीजा निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, अभी बहुत चीज़ें धीरे धीरे आपको सामने आएगी, पहले एक जंग से हम लोग निजात पा लें, और हमने ये तय किया हुआ है कि हम अब इस राज्य में एक बेहतर न्यू हम लोग गाड़ेंगे जो आने वाला समय में इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज इस संक्रमण में मैं तो चाहता हूं कि सभी हमारे झारखंडी भाई लोग वापस अपने राज्य में आए, चलो गांव की ओर चलें और अपने राज को अपने हाथों से संवारें, और हम बिल्कुल इस संक्रमण में इस राज को एक नई दिशा देने की भी एक हमने एक सोच बनाई है जी। और इसके लिए जो हमारे राज के अंदर जो यहाँ का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का सदुपयोग कैसे हो और उसका लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे मिले, ये सुनिश्चित करने पे मैं लगा हूँ। और मुझे लगता है कि रोजगार को लेकर के आने वाला समय में जो हमारी तैयारी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा कि अब रोजगार को लेकर के हमारे राज्य के लोगों को, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, दूसरे राज्यों का मुंह ना देखना पड़े। और आज की जैसे हालात बनी है, ऐसे हालातों में वो कहीं फंसे नहीं। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाकई काफ़ी योजनाएं हैं, अभी तीन तीन योजनाओं की शुरुआत भी आपने की है दो दिन पहले भी। जो शहरी क्षेत्र के जो युवा हैं या जो श्रमिक हैं, वो उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना अभी, चूँकि हमारे मैक्सिमम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पर लगभग 80-90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही वास करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य योजना प्रारंभ कर दिया है। और अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जो हमारे पास हैं, उन शहरी क्षेत्रों के लिए भी हमने कार्य योजना बनाई है, और वो बहुत जल्द आपके समक्ष और राज्य के समक्ष हम उसको लाएंगे और जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार से हम जोड़ेंगे। एक और जो सबसे बड़ी लोगों के सामने समस्या आ रही है वो है कि जो स्टॉक लोग कर रहे हैं कालाबाजारी हो, चाहे निजी अस्पताल और निजी स्कूल से जो परेशानी हो रही है, तो क्या सरकार कोई ऐसा दिशा निर्देश जारी करेगी? हालांकि किया है आप लोगों ने, लेकिन अभी भी उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा। मतलब क्या जैसे निजी अस्पतालों में? हाँ, निजी अस्पतालों में कुछ उदासीनता देखने को मिला है अभी इस संक्रमण में, लेकिन उनको भी इस संक्रमण में स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा हम लोग बनाने की पूरी कोशिश पर हैं। आज ही देखिए, हमारे यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश जी का हार्ट अटैक हुआ, अंततः उनको रिम्स पर ही जाना पड़ा और आज उनका वहाँ इलाज हुआ। तो आज सिर्फ ये राज्य नहीं, पूरा देश आज सरकारी व्यवस्था पर ही टिकी है, और आज निश्चित रूप से ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। जिस पर आज लोग आलोचनाएं करते रहे, जिस संस्थानों पर, जिस डॉक्टरों पर, जिन नर्सों पर, जिन लैब टेक्नीशियनों पर, आज यही लोग देश के समक्ष एक सिपाही की तरह खड़े हैं और आज खुद की जान हथेली पर रख करके लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान के अभिभावक काफ़ी डरे हुए हैं कि अभी इस लॉकडाउन में फिर वो एडमिशन शुरू, कभी बच्चों की किताबें लेनी। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से आह्वान कर देना चाहता हूँ, अभिभावकगण आप उदासीन था बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं होना चाहिए, और हम आपके लिए बेहतर व्यवस्था
शिक्षकों के लिए एक उनके लिए भी एक अनुकूल स्थिति हम उत्पन्न करने की कोशिश पर हैं और इस दिशा में बहुत जल्द आपके समक्ष कुछ बातों को लेकर हम आएंगे। जो अभी संक्रमण का हालात है, अभी जो थोड़ी बहुत आप लोग की आशंकाएं हैं, आशंकाएं होंगी भी, ये मैं मान सकता हूं, मानव स्वभाव है, लेकिन आज हमारी भी जिम्मेवारी है इन सभी चीज़ों पर नज़र रखने का और इसको लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष बातें रखी जाएगी कि सरकार अभिभावक और शिक्षकों में कैसे तालमेल बनाएगी। सर आखिरी में कि केंद्र को लेकर, केंद्र से आपने बार बार पहले भी गुहार लगाई थी मजदूरों को लाने के लिए, बाद में हालांकि चलिए सफलता मिली और झारखंड ही पहला स्टेट रहा जहां मजदूर आए, अभी किस तरीके चल रहे, चाहे PSU का मामला हो, GST का मामला हो, आपने मनरेगा को लेकर भी काफ़ी आवाज़ उठाई है कि मनरेगा 194 पूरे देश में सबसे कम है, तो क्या केंद्र से पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल, अभी इस विषय पर तो हम लोग अलग से केंद्र के साथ संवाद करेंगे। अभी तो हमारा मुख्य फोकस था जो लोग हैं हमारे वो सुरक्षित रहों। हम लोग दूसरे राज्यों पर ही बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए थे कि कहाँ लोग फंसे हैं, कहाँ कैसे हैं, उनको अनाज पहुँचाना, उनको पैसे पहुँचाना उनके खातों में। आपने देखा होगा कि अभी हमने अपने मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके खातों में 20 करोड़ रुपए का पैसा, 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र भी किए हैं। तो अभी एक महीने के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र की बात है, लोगों को भूखा ना रहे, इसको लेकर ग्रामीण स्तर तक की हमारी तैयारी आप खुद जाकर समीक्षा करें। आज हमारे पुलिस थाना जहां लाठी डंडे रोज चलते थे, आज हमारे पुलिस विभाग भी लोगों को खाना बना के खिला रही है। तो एक बहुत बड़ी तैयारी हमने कर रखी है और अब हम लोग राज्य के अंदर की व्यवस्थाओं पर काम करना शुरू कर दिए हैं। नतीजा अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना भी धरातल पर उतार दिया है, लाखों लोग अब उसमें शामिल भी, अभी उस एक्टिविटीज़ में शामिल भी हो गए हैं। और इतने से नहीं बल्कि अभी और भी ज़रूरत है संसाधन जुटाने को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, शहरी क्षेत्रों में काम को बढ़ावा देने को लेकर, इस पर अब हम लोग का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और समय बीतते बीतते सभी चीज़ें लोगों को हतोत्साहित ना हो, इससे पहले ही हम लोग उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। एक आखिरी सवाल सर ये है कि अब 17 के बाद क्या, सबके दिल में ये सवाल, सबके जहन में ये सवाल आ रहा है, अब 17 तारीख आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, जो चुनौती आएगा उस चुनौती के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे, यही कह सकते हैं अभी फिलहाल। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे की चुनौतियों का भी सामना झारखंड की जनता और आपके नेतृत्व में पूरी तन्मयता से करें, पूरी सफलता से करें। धन्यवाद। 99